चिल्लर गैंग है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। अच्छा। ये हमारी कजन है, छोटी छोटी बहनें हमारी, छोटी छोटी बहनें जो बहुत ही शरारती है। तो ये मैं और प्रिया दी इकट्ठे ही मेहंदी की रस्म करते हुए, और क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम हर दिन कुछ न कुछ सेम ड्रेस कोड रखेंगे, तो मेहंदी के दिन हमारी ये जैकेट सेम थी जो कि दादी माँ ने हमें गिफ्ट किया है, मतलब मेरी दादी माँ ने, प्रिया दी की नानी माँ ने। और हमारे एक चाचू हमें बड़े छेड़ रहे थे कि तुम दोनों ने सेम कपड़े पहने, तुम बिल्कुल पहरेदार जैसे लग रहे हो, बिकॉज़ हम दोनों साथ में ही बैठते और यहाँ भी हम सब कुछ साथ में कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने बहुत सारे पकोड़े और जलेबी बनाए हैं बहुत सारे लोगों के हाथों में, मतलब हमारे तो हाथ ही दुख गए थे इस दिन। हो गया है नेक्स्ट डे और हम सुबह के 12 बजे दोनों ब्रेकफास्ट करे थे सबसे लास्ट में, और सबसे हमने बहुत सारी गालियाँ और ताने सुने हैं। और यहाँ पर हल्दी से पहले ये हो रहा था थोड़ा सा फोटोशूट। खापरी गैंग का पहला मेंबर सुकृत शर्मा, दादियाँ प्रिया दीदी, बुआ दादी, बुआ दादी नमस्ते, हेलो हेलो करो, हेलो फिर से बोलो क्या बोला आपने, हेलो माय डियर क्लास हेलो। क्या आपका ब्लॉग आज बशु की शादी कराना, मेरी शादी इसी बानी मिश्रा की शादी में हम बशु के लिए लाड़ा दूल्हा ढूंढेंगे। अच्छा, खुद का पता नहीं, खुद मैं अपने लिए लाड़ी ढूंढी, जी का काम रहता है वो नहीं दिख रहा इनको, बशु के लिए बाद में ढूंढी। हो गया आया स्वाद दादाजी ने बोल दिया, आया स्वाद आया, सबसे बड़े हो आप, सबसे बड़े, मैं कितनी छोटी हूँ आपसे। तो
हल्दी से पहले ये कोई रस्म हुई थी जिसका नाम कि मैं भूल गई हूँ, आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखो इसमें मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना कितनी क्यूट सी लग रही है ना, बहुत क्यूट सी प्यारी सी। ओह वही खुश हो गई हो। हेलो, मैंने बनानी वीडियो ही। तो आज है डे टू हल्दी डे और रात हुई है, जो जो टाइम मिला तब तब शूट किया। तो अभी हम वेट कर रहे हैं जो चूड़ा और रीड़ा आता है लड़कों की तरफ से उसका, तो जब वो आएगा तो हम दरवाज़ा रोकेंगे और पैसे मांगेंगे। तो बाकी सब डेकोरेशन कर रहे हैं बाहर और हम दो अंदर वेट कर रहे हैं ताकि आ ना जाए कहीं। तो बस अभी इंतज़ार चला है और जब जब टाइम मिलेगा आपको दिखाते रहेंगे। और ये लड़के वालों की तरफ से मेहंदी और हल्दी आ गई थी और हम सब सालियाँ यहाँ पर दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। और ये रस्म ना मुझे बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस रस्म में होता ये है कि जो सामान आता है, जो सामान लेकर आते हैं, तो उनको उनसे हम एंट्री के ना पैसे लेते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा फ़न होता है, मतलब पैसे लेने फ़न होता है, वो देते नहीं हैं हम लेते हैं, मतलब ये सब फ़न इसमें चला रहता है। तो जितनी भी दुल्हन की बहनें होती है वो पैसे लेती है, तो इस रस्म में ये होता है। तो हम भी यहाँ थोड़ा मस्ती मजाक करे थे और हमने थोड़े से पैसे भी लिए। डेकोरेशन टाइम, सारे भाई बहन मिलकर डेकोरेशन कर रहे हैं, चाचू भी है। ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच किया डेली की तरह। हेलो जलेबी, डे थ्री बनाते। हेलो गुड़िया दी, हमारी गुड़िया गुड़िया सी थी, गुड़िया दी याद है। जलेबी टाइम, मेरी सारी बहने। हेलो दुल्हन का लहंगा पकड़े हुए पंडित जी भी। ये बड़ी करी है। और यहाँ सब लहंगा संभाल रहे हैं क्योंकि बीच में आग जली हुई थी,
तो डर था कहीं जल ना जाए, इसलिए सब संभाल रहे थे। वीडियो पीछे विदाई से पहले मनीषा दी तैयार होते हुए हमारे यहाँ विदाई से पहले इस तरह से कुछ गुत मिंडियाँ कहते हैं ये बनाई जाती है। तो ये यहाँ हो रही है विदाई से पहले वाली पूजा। हमारे यहाँ विदाई से पहले इस तरह से पूजा जाता है और इसके बाद विदाई होती है। हो गई विदाई और अब हम जा रहे हैं मनीषा दी के ससुराल नाचते गाते मस्ती करते हुए। पहुंच गए हैं मनीषा दी के ससुराल। ससुराल उनका बहुत ही पास था हमारे गांव से और ये हो रहा है मनीषा दी का वेलकम। इस तरह से हमारे यहाँ शादियों में इस तरह से ही मतलब पूजा ही कहते हैं इसको, फोना फोकर ही वेलकम किया जाता है और इस तरह से ही विदा किया जाता है। हेलो हेलो और ये यहाँ सब बैठकर गप्पे मार रहे थे तो हम दोनों भी बैठकर नौटंकी कर रहे थे अपनी टाइम पास। सब आपस में गप्पे में बिजी थे तो हम दोनों ने सोचा हम भी कुछ करते हैं। तो ये है शादी का लास्ट डे जीजू के वहाँ धाम वाला दिन और यहाँ पर हम मनीषा दी का मेकअप कर रहे हैं। हमें पूरे अच्छी तरह से तो आता नहीं है तो जितना हमें आता है थोड़ा जुगाड़ जुगुड़ लगाकर हम कर रहे हैं। तो लास्ट धाम वाले दिन ज़्यादा कुछ रस्म होती नहीं है, बस एक ही रस्म होती है दान पूजन जिसका मुझे डिटेल नहीं पता, सॉरी। तो इसमें बस अभी यही थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा फन वाला जो होता है कि आगे रास्ता रोकना है और आज यहाँ पर दुल्हन की बहनें नहीं बल्कि आज दूल्हे की बहनें मतलब जीजू की जो सिस्टर्स थी वो रोक रही थी और वो आज थोड़े से पैसे ले रही थी। तो बस ये फन यहाँ पर चला हुआ था। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि जितना मैं शूट कर पाई जितना भी मैं आपको दिखा पाई। मैंने सोचा कुछ और था, मैंने सोचा था कि मैं हर दिन का एक ब्लॉग बनाऊंगी मतलब मेहंदी का अलग और हल्दी का अलग, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि अपनी घर की शादी में होता है थोड़ा बिजी रहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इवन देख लो लास्ट के दिनों में तो मैं बहुत ही कम शूट कर पाई हूँ क्योंकि तब तक थक भी गए थे और मतलब उतना टाइम भी नहीं मिलता है शूट करने का। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना शूट किया है और उतना मैं आपको दिखा पाई हूँ। और शादी में इतना शोर होता है कि बोलना भी बहुत मुश्किल होता है, आप तक आवाज़ पहुँचाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी मैंने कोशिश की है क्लिप्स बनाकर अपनी आवाज़ अलग से रिकॉर्ड करके जितना मैं बता पाऊँ। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मेरे इस ब्लॉग को और आपको ये पसंद भी आया होगा। सो आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ना 1000 सब्सक्राइबर होने में बस 15 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। और मेरे पास ना बहुत सारे आइडियाज़ हैं
मतलब ब्लॉग्स को लेकर कुछ मैं सोच रही थी कि अपनी जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसको लेकर, इवन जिसके बारे में मुझे खुद भी ज़्यादा नहीं पता, तो उसको लेकर मैं सोच रही थी कि एक ब्लॉग बनाऊंगी। बट वही है कि मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरी ऑडियंस भी ज़्यादा हो, तो इसलिए मैं पहले वो वेट करूँ कि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हो जाए, ताकि मैं वो कॉन्टेंट सब तक पहुँचा सकूँ, सब तक जो भी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ यार 15 कर तो रह गए हैं, कर दो यार सब्सक्राइब।